दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्ट्रीट 12 में। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड कराई जाए तो फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम नंबर दिया हुआ फ्रेंड, जिसमें आप 5 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक डोनेट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास रिसोर्स इकट्ठे हो जाएँ और हम आप तक अच्छी वीडियो पहुँचा सकें। तो चलिए देखते हैं आज टॉप क्वेश्चन, वो भी आपके साइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के दृष्टि से। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? फ्रेंड ये बताना है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है फ्रेंड। ओके, डोनेट करना मत भूलिएगा फ्रेंड, 5 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? फ्रेंड यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है। फ्रेंड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी लाल रंग में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, लाल रंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? फ्रेंड ये बताना है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पार्विक अम्ल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पौधों के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? फ्रेंड ये बताना है फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एथिलीन। ठीक है, एथिलीन ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन सा? फ्रेंड ये बताना है इनमें से वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, एप्सिक एसिड और एथिलीन, ये दोनों क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, हमें बताना है धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जस्ता की कमी की वजह से धान में खैरा रोग होता है। खैरा रोग क्या है कि धान की जो पत्तियां हैं उसमें इस तरीके से बीच बीच में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जिसे हम खैरा रोग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोज़ेक रोग किस पौधे से संबंधित है? फ्रेंड ये बताना है मोज़ेक रोग किस पौधे से संबंधित है। फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी तंबाकू से। ठीक है, तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकी टॉप रोग किस पौधे से संबंधित है? फ्रेंड अब ये बताना है कि बैंकी टॉप रोग किस पौधे से संबंधित है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी केला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, यानी बैंकी टॉप रोग केला से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी हरे शैवाल की वजह से। ठीक है, चाय में लाल रस्ट रोग जो है वो हरे शैवाल की वजह से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? ठीक है, पादप रोगों के लिए ये बताना है सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कवक। ठीक है, पादप में जो सबसे ज्यादा रोग होते हैं वो कवक की वजह से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कवक की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अग्नि नीरजा रोग संबंधित है? फ्रेंड ये बताना है कि इसमें अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सेब से। ठीक है, सेब से अग्नि नीरजा रोग संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस पौधे में होता है? फ्रेंड ये बताना है कि टिक्का रोग, ठीक है, टिक्का रोग किस पौधे में होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मूंगफली में, ध्यान दीजिएगा, मूंगफली में टिक्का रोग सबसे ज्यादा होता है, यानी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है? फ्रेंड ये बताना है लेट ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आलू से, ठीक है। तो लेट ब्लाइट रोग जो है वो आपके आलू से संबंधित है, साथ ही झुलसा रोग और अगेता रोग भी आलू से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? सो फ्रेंड ये बताना है किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। सो फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी शाकाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हमेशा क्या है, शाकाहारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारितंत्र का अजीवीय घटक कौन सा है? फ्रेंड ये बताना है पारितंत्र का अजीवीय घटक कौन सा है, ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सो फ्रेंड ये बताना है कि ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सौर, ठीक है। सौर में क्या है, प्रदूषण की समस्या नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अच्छेकारी प्रदूषक है? फ्रेंड ये बताना है इनमें से कौन जैव अच्छेकारी प्रदूषक है। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी, प्लास्टिक डीडीटी एवं पारा, ये सभी क्या है, जैव अच्छेकारी प्रदूषक हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? फ्रेंड ये बताना है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जीर्णता का अध्ययन, ठीक है, जीर्णता का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? फ्रेंड इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए इसका आंसर आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? फ्रेंड ये बताना है हैंसेन रोग को और किस रोग से, रोग के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग के नाम से प्रसिद्ध है हैंसेन रोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? फ्रेंड ये बताना है मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाना पीना भूल जाइए बट ये क्वेश्चन मत भूलिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गिल्स से यानी फेफड़ों से मछलियां सांस लेती हैं। फ्रेंड ये बताना वीडियो कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।